दिल्ली धमाके में मौके पर पहुंची एनआईए की टीम, 6 से 7 अफसर कर रहे हैं मौके का मुआयना। भारत की जांच में इजरायली जांच एजेंसी भी करेगी मदद, इसराइल से दिल्ली आ रही है टीम। दिल्ली में इसराइल दूतावास के बाहर हुए धमाके में सामने आ रहा है ईरानी कनेक्शन। दूतावास के बाहर मिली चिट्ठी से खुलासा, हमले को बताया गया ट्रेलर। भारत में इसराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने आज तक से खास बातचीत की, कहा आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। आज किसान संगठनों का अनशन, शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल। किसान संगठनों ने देश भर में मांगा है समर्थन, हर जिले में अनशन करने की अपील। पड़ोसी राज्यों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं किसान, देर रात तक पहुंचते रहे किसानों के जत्थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी गाजीपुर पहुंचे, किसान आंदोलन के लिए जताया समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर हुई रबड़ एक्शन फोर्स और पीएसी की तैनाती। किसान आंदोलन के फिर से तेजी पकड़ने के चलते हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी। किसान नेताओं ने की इंटरनेट बहाली की मांग, पाबंदी को बताया आंदोलन तोड़ने की साजिश। शुक्रवार को ही झड़प के मामले में पुलिस ने 44 आरोपियों को पकड़ा, एसएचओ पर हमला करने वाला गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में किसानों की हुई थी महापंचायत, आज दिल्ली कूच करने का ऐलान। मुजफ्फरनगर जा रहे आरएलडी नेताओं को पुलिस ने बिजनौर में रोका, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। अजमेर में पेट्रोल पंप पर आज से धमाका, 2 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से बस और ट्रक की टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। रामपुर में कोहरे के चलते ट्रक से भिड़ी बुलेरो, 9 लोग जख्मी। ऊधम सिंह नगर में हाईवे पर जली चलती कार, 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वारा में ट्रक और बस में भिड़ंत, 15 लोग जख्मी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, 30 जनवरी 1948 को हुई थी हत्या। राजघाट पर राम धुन का आयोजन, तमाम बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे राजघाट, गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए राजघाट, किया ट्वीट, अहिंसा सादगी और सच्चाई के मार्ग का हम अनुसरण करें। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की लाइन को किया ट्वीट, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वो आत्मनिर्भर है।